हाई गाइज दिस इज भारतीय वेलकम टू ड्रीम मार्स एंड टू डे विल डिस्कस अबाउट डिसजंक्शन एंड नेगीशन दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर लॉजिकल स्टेटमेंट एंड रिथ टेबल इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो फोर्थ पार्ट में कल करवाऊंगी ये चारों पार्ट्स को अच्छे से कर लेना यही सारा बेसिक है इस चैप्टर का ये चार पार्ट अच्छे से कर लिए तो अगले एक्सरसाइजेस अगले पार्ट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था डिसजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे एग्जाम इसका ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल मोस्ट इंपर्टेंट है इसको अच्छे से समझा करो ठीक है उसके बाद नेगेशन नेगेशन क्या होता है बहुत ईजी ये भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो भी लेके आऊंगी क्लास लेके आऊंगी सो डोंट वरी ठीक है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर करना ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हाँ जी तो कल क्या पढ़ा था हमने ध्यान से देखना हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स एन टू टेबल लॉजिकल स्टेटमेंट्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अच्छे से कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स ऐसी स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि कंपाउंडेड क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्या हो ध्यान से समझना ऐसी दो लॉजिकल स्टेटमेंट या तो वो एंड से कंबाइन हो रही हो और से कंबाइन हो रही हो और भी मैंने कनेक्टर्स बताए थे इनसे ज्वाइन करके दो लॉजिकल स्टेटमेंट को जो एक सिंगल स्टेटमेंट बनती है उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं ना जैसे में एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग ठीक है या फिर एक स्टेटमेंट मैंने ये ले ली राम इज प्लेइंग और सेकंड स्टेटमेंट मैंने ले ली राम इज स्टडिंग है ना ये दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू ये लॉजिकल स्टेटमेंट है राम इज इस प्लेइंग इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो अगर आपको पता है कि हाँ वो प्ले कर रहा है कि नहीं इसका आंसर भी आप ट्रू एंड फॉल्स में दे सकते हो अगर मैं इनको ओर में कर दूं ठीक है ऐसे लिख दूं राम इज प्लेइंग ओर राम इज स्टडिंग मीन्स दोनों स्टेटमेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया बाय दिस और जो एक सिंगल स्टेटमेंट बन गई इन दो स्टेटमेंट से इसको बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्लियर है चीज इसी को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट कि जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल स्टेटमेंट बनती है ज्वाइन किससे होते है या फिर और से या फिर एंड से इनको बोल जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट ठीक है फिर हमने पढ़ा जब अगर दो स्टेटमेंट्स को हम एंड से ज्वाइन करते हैं उसे कंजंक्शन बोलते हैं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया किसी भी दो सिंपल स्टेटमेंट मीन्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स को अगर एंड से ज्वाइन करें मीन्स उनके बीच में एंड आए फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट उसको कंजंक्शन बोलते हैं लेकिन अगर दो स्टेटमेंट्स हो जैसे अभी मैंने लिखा उनको अगर और से ज्वाइन किया जाए जै, जैसे अभी मैंने कहा राम इज प्लेइंग और राम इज स्टडिंग उसको बोला जाता है डिसजंक्शन क्या बोला जाता है डिसजंक्शन मींस जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा राम इज प्लेइंग और राम इज टडिंग वो भी किसका एग्जांपल था डिसजंक्शन का सब कुछ सेम वही है है वो कंपाउंड स्टेटमेंट ही लेकिन अगर कंपाउंड स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट हो रही है वो कंजंक्शन होता है लेकिन अगर वो और से कनेक्ट हो रही है वो डिसजंक्ट होता है 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 आई होप आपको क्लियर ठीक तो ऐसी दो कंपाउंड स्टेटमेंट जो ओर से कनेक्ट हो उन्हें डिसजंक्शन कहते हैं जैसे एग्जांपल देखो आई शेल बाय अ कार आई शेल मोटरसाइकिल दिस इज द टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आई शेल बाय अ कार

अगर ये एंड से कनेक्टेड है ठीक है तो लेकिन आज हम सिर्फ डिसजंक्शन की बात करेंगे क्योंकि ये ओर से कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया डिसजंक्शन ठीक है कल यही सेम एग्जांपल करा था लेकिन बीच में एंड था तो हमने सारी बात कंजंक्शन की की थी लेकिन आज बीच में ओर है तो हम सारी बात आज डिसजंक्शन की करेंगे ठीक है देखो अब इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव ओर ऐसी दो स्टेटमेंट्स जो और से कनेक्ट हो रही है क्या फॉर्म कर रही है कंपाउंड स्टेटमेंट को इस कंपाउंड स्टेटमेंट को डिसजंक्शन बोला जाता है क्या बोला जाता है डिसजंक्शन जैसे एंड का साइन ये था और का साइन वी होता है ये ठीक है आप वी की फॉर्म बोल सकते हो जैसे वी बनाते हैं ना ऐसे ही होता है ये किसका है सिंबल ये ओर के लिए अगर मुझे दो स्टेटमेंट्स uh, के बीच में डिसजंक्शन निकालना है फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट पी है एक स्टेटमेंट क्यू है अगर इनके बीच का डिसजंक्शन निकालना मीन्स मुझे पी मैं इस तरह से सिंबलाइज करूंगी दिस इज पी और Q पूरा पूरा नहीं लिखना आप वहां पे वी बना दोगे ठीक है लेकिन अगर एंड लिखना है तो पी एंड Q इसका ध्यान रखना पूरे चैप्टर में यही सिंबल्स ना क्लियर हुए तो बहुत दिक्कत होगी ठीक है दिस इज और जब वी बनाते हैं दिस इज और एंड में हम सिंपल ए वाला साइन बनाते हैं क्लियर है चीज आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं पी और क्यू मैं साथ साथ डिसजंक्शन तो क्लियर कर ही रही हूं कंजंक्शन से भी इसका आपको डिफरेंस बताती जा रही हूं ठीक है हाँ जी चले नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है टूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन करते हैं अब बताओ पहले डिसजंक्शन क्लियर हो गया ऐसी एक स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके बनी है और उसके बीच में क्या आ रहा है और आ रहा है ऐसी एक स्टेटमेंट को क्या बोल जाता है डिसजंक्शन जो दो स्टेटमेंट को मिला के बनी है और बीच में उसके और आ रहे हैं ठीक है ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन बहुत ईजी है ध्यान से समझना ध्यान से बिल्कुल दो स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनता है मैंने P और Q बना लिया ठीक है क्योंकि दो स्टेटमेंट है नीचे कितने रोज आएंगी फोर रोज क्योंकि पावर में वो नंबर लिखते हैं जितनी आपके पास स्टेटमेंट है मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं तो मैं टू रेस टू पावर टू करूंगी मुझे कितनी मिलेंगी फोर मतलब नीचे मुझे इसकी फोर रोज मिलेंगी ठीक है दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ रो क्लियर है चीज हाँ जी नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए P और Q दैट इज P और Q और का साइन क्या है ये V ठीक है क्योंकि ट्रूथ टेबल किसका बन रहा है डिसजंक्शन का डिसजंक्शन का मतलब क्या आएगा इसमें और आएगा क्लियर है चीज तो यहाँ पे P यहाँ पे Q एंड P और Q अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था दोनों ट्रू हो सकते हैं दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक ट्रू एक फॉल्स एक बार ये ट्रू ये फॉल्स आपने ऐसे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है ना हो ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे ट्रू हो या ट्रू हो तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू और में अगर दो स्टेटमेंट्स है उसमें से एक भी ट्रू है तो पी और क्यू का आंसर ट्रू आएगा अगर एक भी उसमें से ट्रू हो देखो ट्रू एंड फोल्स तो यहाँ क्या आएगा ट्रू ही आएगा क्योंकि एक ट्रू है फॉल्स तो फोल्स यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर फोल्स ही आएगा क्लियर है चीज और वाले के ट्रुथ टेबल में ध्यान रखना कि अगर एक भी ट्रू हो तो उसका आंसर ट्रू आता है यहाँ पे एक ट्रू था यहाँ पे भी एक था यहाँ पर भी एक था तो इनके आंसर ट्रू ही बने एंड में एक भी ट्रू नहीं है तो इसलिए आंसर क्या आया है? है इस बात का ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी पहले और अच्छे से समझ लो मैं एंड का भी साथ में बनवा देती हूँ पी और क्यू क्या होता है अगर एक भी ट्रू है बहुत अच्छा शरीफ है भाई पी एंड क्यू कि अगर एक भी कहे ना हाँ सच बोल रहा है तो ये मान लेते हैं हाँ वो सच बोल रहा है दिस इज ट्रू इसने कहा हाँ ट्रू है इसने बोला ट्रू इसने कहा फिर भी ट्रू है इसने बोला ट्रू फिर भी ये मान गया ट्रू है दूसरे के फॉल्स को कंसिडर नहीं कर रहा लेकिन अगर दोनों फोल्स हो जाएं, तो आंसर फोल्स ही आएगा ट्रू नहीं आएगा क्लियर है चीज़ लेकिन अगर एंड की बात करी जाए, तो तो लेता देखो ट्रू ट्रू यहां पे ट्रू ही आएगा अगले में एक ने भी पे क्या आ गया फोल्स आ गया और अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है और एंड में अगर एक भी फोल्स हो तो आंसर क्या आता है फॉल्स आता है देखो यहाँ पे एक भी फोल्स मिल गया तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा ये बात का ध्यान रखना कि बहुत ईजी है लेकिन अच्छे से समझनी पड़ेगी चीजें ठीक है और में अगर देखो पी एंड क्यू करना है पी या क्यू में से एक भी अगर ट्रू हुआ तो पी और वी का आंसर ट्रू आएगा लेकिन एंड वाला नहीं मानता वो कहता है कि अगर एक ने भी बोल दिया फोल्स मैं तो फोल्स ही दूंगा ठीक है मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ध्यान से समझना जैसे देखो ये पी और क्यू का बना हुआ है ये ट्रू था ट्रू था इसने कहा ट्रू है यहाँ पे इसने बोला ट्रू है तो पी और क्यू इसका फोल्स नहीं देखता वो ट्रू ही मानता है यहाँ पे फोल्ज और ट्रू था पी और क्यू फोल्स नहीं देखता वो ट्रू ही मानता है लेकिन अगर दोनों फोल्स है तो पी और क्यू क्या करें अगर दोनों ही फोल्स है तो आंसर फॉल्ज ही देता है ये चीज क्लियर है अगर इसी के साथ मैं पी एंड क्यू बनाऊ ध्यान से देखना अब ट्रू ट्रू बिल्कुल ट्रू ठीक है ट्रू और फॉल्स का अगर एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है फॉल्स और ट्रू का एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है फॉल्स और फॉल्स का दैट इज फॉल्स क्लियर है चीज पी एंड क्यू तभी ट्रू देता है जब दोनों ट्रू हो अदरवाइज ट्रू नहीं देता पी और क्यू बहुत शरीफ है एक भी बोल देना ट्रू है, है ये ट्रू कंसिडर कर लेते हैं ठीक है मैं साथ साथ आपको डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ पी एंड और पी और का और पी और क्यू तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ क्लियर है चीज चले आगे अब इनके टूथ टेबल्स में डाउट नहीं होना चाहिए फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखो नेगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी है बहुत इजी नेगेशन का मतलब है कि बस जो मैंने बोल दिया आपने उसका उल्टा बोलना है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बनाया पी ठीक है नेगेशन का साइन होता है ये मतलब ऐसे इस फॉर्म में ये नेगेशन पी है अगर मैंने बोला ट्रू आप बोलोगे फॉल्स अगर मैंने बोला फोल्स तो आप क्या बोलोगे ट्रू मतलब ट्रू लिखा है तो इसका आंसर फोल्स हो जाएगा और अगर फोल्स लिखा है तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा मतलब जो लिखा है ना कॉलम में उसका उल्टा हो जाएगा ऐसा ही नेगेशन करता है बहुत इजी है नेगेशन नोट होता है नेगेशन का नोट अगर सिंपल स्टेटमेंट लिखी है उसमें नोट हो जाए तो वो क्या हो जाती है नेगेशन हो जाती है ठीक है बहुत ईजी है ध्यान से समझते हैं पहले एग्जाम्पल देखो लेट द स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट क्या है राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन ठीक है तो यहां पे देखो नेगेशन का साइन लगा हुआ है ये नेगेशन का साइन क्या कह रहा है राम इज नोट एन ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे नोट आ गया तो ये क्या होगी नेगेशन मींस जो आप कह रहे हो उसमें नोट लगा देना या फिर इट इज नोट द केस दैट या तो नोट लिखाओ या नोट द केस दैट लिखाओ वो क्या होता है नेगेशन होता है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में टूथ टेबल बनाने आते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी ठीक है फटाफट फ़ड़ से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट कैन बी ऑबेन बाय इंसर्टिंग नोट लगा दो या फिर यूजिंग द फ्रेज क्या इट इज नोट द दा केस दैट। जिस भी स्टेटमेंट में आपको नोट मिल जाए या फिर इज नोट द दा केस दैट मिल जाए वो क्या होती है वो नेगेशन होती है क्या होती है नेगेशन ठीक है ध्यान से देखना आराम से समझ आएगा बहुत इजीली देखो पी क्या है ट्रू तो नेगेशन पी क्या हो गया फोर्ज अगर यहाँ ट्रू लिखा होगा नेगेशन उसको फोर्ज कर देगा अगर यहाँ फोर्ज लिखा होगा तो नेगेशन इसको क्या कर देगा ट्रू कर देगा ये बहुत ईजी है ध्यान से समझना ठीक है अगर आपने फर्स्ट फोर पार्ट आज मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूं ना फर्स्ट फोर पार्ट्स अच्छे से देख लिए चैप्टर का बेसिक कवर है आप आगे किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन करने में ठीक है नेक्स्ट देखो हाँ जी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट बहुत इजी है ऑप्टेन द ट्रुथ टेबल ऑफ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको इतनी थ्योरी पढ़ाई जा रही है बहुत ध्यान से समझो ऑपटेन द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एंड दिस ये किसका साइन है और का है कंफ्यूजन नहीं होना वी का मतलब है और वी जैसा फॉर्म होता है ना ये वी नहीं है फॉर्म ऐसा सिंबल ऐसा है तो इसका मतलब है और अब ध्यान से देखो नेगेशन पी का और नेगेशन क्यू का और बनाना है ठीक है बहुत ईजी है देखो ध्यान से पहले हम पी लिखेंगे फिर हम क्यू लिखेंगे ठीक है पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू ये चीज का ध्यान रखना ठीक है मुझे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू का और बनाना है तो पहले मैं नेगेशन पी नेगेशन क्यू तो बना लूं चलिए भी नेगेशन पी कैसे बनेगा जो पी में लिखा है उसका उल्टा लिख दो टी है तो क्या लिखेंगे एफ टी है तो यहाँ क्या लिखेंगे एफ ये F लिखे, लिखेंगे टी ये false है तो क्या लिखेंगे ट्रू मतलब जो पी में लिखा है उल्टा लिख दो अगर ट्रू लिखा है तो फॉल्स लिख दो लिखा है तो true आपको नेगेशन पी मिल जाएगा ऐसे ही हम क्या निकालेंगे नेगेशन क्यू ध्यान से ट्रू लिखा तो तो है तो फॉल्स फॉल्स लिखा है तो ट्रू ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू जो ये क्यू वाला कॉलम है मैंने इसकी नेगेशन निकाल ली जहां ट्रू लिखा था मैंने फॉल्स लिख दिया ठीक है चले आगे अब मुझे इनका क्या निकालना है मुझे इसका और निकालना है नेगेषंस का मीन्स मैं इन दो कॉलम्स को ध्यान से देखूंगी और इनका और निकालूंगी और क्या करता है अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या देगा ट्रू देगा तो फोल्स फोल्स आंसर क्या आएगा फोल्स फोल्स ट्रू आंसर क्या आएगा ट्रू यहाँ पे ट्रू फोल्स आंसर क्या आएगा ट्रू और यहाँ पे ट्रू ट्रू आंसर क्या आएगा ट्रू आप प्रॉपर बनाना इसको स्केल से पूरा इसको स्केल करके बॉक्सेस बना के कॉलम रोज मैंने यहाँ पे स्पेस कम के कारण इतना कर दिया ये आपका लास्ट बन गया अगर एक भी देखो फोल्स था फोल्स ही आया यहाँ पे फोल्स और ट्रू था ट्रू आया ट्रू फोल्स का ट्रू आया ट्रू और ट्रू का तो आया ही ट्रू दिस इज़ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू जिसके बीच में वो और या एंड पूछ रहा है पहले उसको बनाओ ये ये नेगेशन नेगेशन और Q पूछ रहा था पहले नेगेशन पी नेगेशन क्यू बना तो लें फिर उनके बीच का और निकालेंगे तो पहले पी क्यू बनाया जो हमें आता है फिर उसके बाद नेगेशन पी नेगेशन क्यों निकाला मैंने अभी आपको बताया अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो फॉल्स है तो True कर दो फिर उनके बीच का और निकाला, दो कॉलम्स को देखा मैंने अच्छे से और अगर उसमें से इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स ही आना था तो इसका जो आंसर है ये है ये आपको ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए बोला था इसको अच्छे से कॉलम में लिखना ठीक है हाँ जी देखो जैसे ही बना हुआ है पहले पी लिया फिर क्यू जैसे मैंने आपको समझाया था सेम वैसे बनाओ, नेगेशन पी नेगेशन क्यू और फिर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के बीच में और निकाला हुआ है बहुत ईजी है देखो नेगेशन पी नेगेशन क्यों तो समझ आया ना जैसे ये ट्रू था तो इसका नेगेशन फोल्स ये ट्रू था तो इसका नेगेशन फोल्स फोल्स का नेगेशन ट्रू एंड फोल्स का नेगेशन अगेन ट्रू ये मैंने आपको समझाया था उल्टा लिख दो अगर पी में ट्रू लिखा है तो उसके आगे फोल्स लिख दो ठीक है आगे देखो अब पी का नेगेशन और क्यू का नेगेशन मीन्स इन दोनों कॉलम को कंसीडर करना है बस और इसके बीच में और निकालना है और का मतलब क्या है अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा अदरवाइज फोल्स यहाँ पे कोई भी एक भी ट्रू नहीं है दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा ये फॉल्स है ट्रू है तो आंसर ट्रू अगर एक भी ट्रू मिल गया यहाँ पे एक भी ट्रू मतलब तो ये ट्रू था तो ये आंसर ट्रू आ गया ये ट्रू ये फॉल्स तो आंसर ट्रू दोनों ही ट्रू तो आंसर ट्रू द सो द बस यही आपका आंसर है ऐसे ही करना है जब आप इन दोनों के बीच में देख रहे हो और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के बीच में तो ये कोई कॉलम काम नहीं करेगा जिसके बीच में और देखना है बस वही कॉलम को देखना है इनको नहीं ये कॉलम हमने इसलिए यूज किए क्योंकि हमें नेगेशन पी निकालने के लिए पहले पी तो चाहिए था ना तभी उसको नेगेट करोगे तभी उसको उल्टा करोगे पहले उसको सीधा तो हो आपके पास पी तभी ट्रू का फोल्स और फोल्स का ट्रू बनाओगे ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे डरना नहीं है मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया था लेकिन अब ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल गया आपको तसली होगी हाँ बुक से मैच भी कर पाओगे अगर ये बुक है और प्लीज अगर आपके पास बुक कोई डिफरेंट है ये नहीं है कौन सी बुक की बात कर रही हूँ मैं अरे कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो सब में सेम क्वेश्चंस होते हैं द थिंग इज फोर की जगह थ्री मिल जाएगा नेगेशन पी नहीं आपको वो पी पूछ लेगा और नेगेशन क्यू इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगी कि किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हो ठीक है आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसको ध्यान से कर लो फर्स्ट फोर पार्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है